नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं टचलेस मटकी। टचलेस मटकी यानी कि बिना टच किए आप उस मटके का पानी निकाल सकते हैं और ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं। एक कमाल का प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इस टाइप का जो मटका बनाने का जो मेरा ख्याल कई सालों से है, जब ये कोरोना काल शुरू हुआ था तो पानी क्या है, जब आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको जरूर लगता होगा कि वहां पर रखा हुआ पानी गंदा हो सकता है या जो बर्तन रखा होता है वो भी गंदा हो सकता है। तो बिना टच के पानी को निकालेंगे तो इससे काफी ज्यादा सफाई होती है। तो इसको बनाना भी काफी आसान है और इसमें जो खर्च है वो भी बहुत कम आता है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल में अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। इसको बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चाहिए वो सब आपको पास के इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सबसे पहले सामान इकट्ठा करना होगा। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक डीसी पंप जो पानी को मटके में से बाहर निकालने का काम करेगा। ये 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के पावर सप्लाई में काम करता है, डीसी पावर सप्लाई में। आप चाहें तो इसे बड़ा पंप भी ले सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट का मेन सेंसिंग पार्ट है ये इंफ्रारेड सेंसर, DATN के इस नाम से ये आता है। ये एक स्पेशल टाइप का सेंसर है, ये 5 वोल्ट के डीसी पावर सप्लाई में काम करता है। इसमें आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्लू कलर का वायर है इसका ग्राउंड पिन है, ब्राउन कलर का जो वायर है वो इसका पॉजिटिव 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है और ब्लैक कलर इसका आउटपुट है। हमें एक रेगुलेटर चाहिए 7805। उसके बाद हमें एक मॉस्फेट चाहिए जो मोटर ड्राइवर की तरह काम करेगा, IRF 540। एक ऑप्टोकपलर IC चाहिए 817। एक 1 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए। एक 10 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए। एक जैक पिन फीमेल वाला चाहिए जिसमें हम पावर सप्लाई को इनपुट करेंगे। और पाइप तो चाहिए ही होगा जो मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे पानी को बाहर निकालने के लिए। और हमें जो डिज़ाइन बनाना है, जो नल का शेप बनाना है, वो घरों में यूज़ होने वाला जो PVC पाइप आता है वायरिंग वाला, उसको हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। मैं इसको 45 डिग्री एंगल में इसको कटिंग कर रहा हूँ ताकि इसको एक नल का शेप दे सकूं। आप चाहें तो एक एल्बो जॉइंट जो आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये कटिंग हो चुका है। इस तरीके से आपको 90 डिग्री के एंगल में एक नल के शेप में इसको जोड़ना है। तो इन सब को कैसे जोड़ना है उसकी वायरिंग हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप सर्किट को देख सकते हैं, इसके हिसाब से हमें सारा कंपोनेंट को एक दूसरे से जोड़ना है। और यहाँ पर जो बैटरी है उसके स्थान पे आप कोई भी अडेप्टर लगा सकते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसको सबसे पहले एक ब्रेडबोर्ड में टेस्टिंग किया था, आप भी चाहें तो ब्रेडबोर्ड में इसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें परमानेंटली एक सर्किट को PCB में बना लेंगे। इसको अच्छे से सोल्डिंग करने से ये क्या बार बार निकलेगा नहीं और लंबे समय तक काम करेगा।
तो हमारा पीसीबी भी ये रेडी हो चुका है, बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं सारा कंपोनेंट अच्छे से लग चुका है। और यहाँ पर हमने वायरिंग भी कंप्लीट कर लिया है। और ढक्कन के लिए हम कोई भी एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, कोई भी प्लास्टिक का इस तरह के शेप में कोई राउंड शेप वाला ले सकते हैं, और बीच में इस तरह से हमने होल बना लिया है ताकि अपने जो नल का डिज़ाइन है, जो पीवीसी पाइप है, उसको लगा सकें, और साथ में इस जैक पिन को भी इसमें लगा सकें। तो देख सकते हैं अब इसमें हम अपने सेंसर और पाइप को एक साथ अंदर की तरफ घुसाएंगे, और इसको अच्छे से करना है, कहीं पर मोड़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए दूसरी तरफ से हमने इसको निकाल लिया है, और यहाँ पर बचा हुआ जो नल का डिज़ाइन था उसमें भी इसको पार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये देखिए हमारा सेंसर और पाइप दिखाई दे रहा है जहाँ से हमें पानी निकलेगा और सेंसर सेंस करेगा। ये काम आपको ध्यान से करना है, वरना पाइप अगर मुड़ जाएगा तो पानी ठीक से नहीं निकलेगा। तो हमारा पूरा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब बस इसको मटके में डाल के टेस्ट करना है। तो हमारा जो मटका है ये रेडी हो चुका है और टेस्टिंग के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पर हमारे मटके में पानी हम भर चुके हैं, और पानी भी अच्छा ठंडा ठंडा हमें महसूस हो रहा है। इसमें हम अपने मोटर सिस्टम को, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, उस ढक्कन को यहाँ पर इस तरह की से लगा लेंगे। और देखिए हमने बाहर की तरफ कुछ स्टिकर भी लगा लिए हैं ताकि डिज़ाइन थोड़ा और सुंदर दिखाई दे, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने एक पीवीसी के डिज़ाइन से इसको तैयार किया है। और पावर सप्लाई के लिए हम एक अडैप्टर यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे ही हम गिलास रखते हैं पास में, तो इसका जो है सेंसर काम करना शुरू कर देता है, और पंप भी चालू हो गया है अंदर से, और पानी हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूर करते ही ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब ये रेडी हुआ तो काफी लोगों का इसमें इंटरेस्ट देखने को मिला, काफी लोग इसके साथ सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जो देख के काफी अच्छा लगा। आप भी जरूर इसको ट्राई करेंगे अपने घर पे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ हम जरूर वापस आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।